नमस्कार, मैं इस समय मोकामा विधानसभा में खड़ा हूं और ये मोकामा विधानसभा का ये इलाका है और ये मोकामा स्टेशन भी है जो पहले मोकामा जंक्शन हुआ करता था। पहला चरण का मतदान कल है और बिहार में 71 जगहों पर 71 सीटों पर मतदान होने वाला है, जिसमें मोकामा भी बेहद हाई प्रोफाइल जगह बताया जा रहा है। मोकामा के अलावा और इम्पोर्टेंट सीट की बात करें तो इमामगंज से जीतन राम मांझी चुनावी मैदान में है, उदय नारायण चौधरी चुनावी मैदान में है, जमुई से श्रेयसी सिंह हैं, ऐसे तमाम उम्मीदवार हैं। सदानंद सिंह भी कहलगांव से हैं जो इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। कल उनके नाम पर उनके भाग्य का फैसला होने वाला है, लेकिन फिलहाल मैं मोकामा विधानसभा में हूँ और यहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा हैं। आइए जानते हैं कि यहाँ का मूड क्या है, मिजाज क्या है। आप यहाँ के रहने वाले? हाँ, यहीं के हैं। कल मतदान में हिस्सा लेंगे? जरूर लेंगे। किस क्या मुद्दा, प्रमुख मुद्दा क्या है यहाँ पर? यहाँ का मुद्दा क्या रहेगा? यहाँ तो कोई मुद्दा ही नहीं है। जैसे हमारे विधायक हैं, वो तो अभी है नहीं, तो हम उनसे मुद्दा उठा क्या सकते हैं? जब वो है ही खुद नहीं तो हम उनसे मुद्दा उठाएंगे क्या? हमारे विधायक जी तो यहाँ पे है नहीं, वर्तमान में भी है और आगे भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे विधायक जी अभी है ही नहीं। तो आप स्थानीय पत्रकार हैं, आप कमालुद्दीन ये बताना चाहेंगे कि ये काफ़ी संवेदनशील जगह माना जाता है, कल यहाँ पर चुनाव होना है, फिलहाल माहौल कैसा है यहाँ? देखिए, संवेदनशीलता की बात करें तो बाढ़ अनुमंडल का 3 विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, बख्तियारपुर, बार और मोकामा। 178 मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हमने जब सिविल SDO यानी रिटर्निंग अफसर, जो मोकामा विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अफसर है सुमित कुमार से कल हमने बात की थी, सीधे मोकामा विधानसभा को अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है और सारे बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। साथ ही टाल क्षेत्र में घुड़सवार पुलिस और गंगा नदी में जो है नाव से व्यवस्था की गई है पेट्रोलिंग की, ताकि किसी तरह की अनहोनी नहीं हो। मोकामा में मुद्दों की बात करें तो मोकामा में पिछले 15 सालों से अनंत कुमार सिंह यहाँ विधायक हैं। पिछले बार 2015 में वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे जीते थे, उनके सामने थे नीरज कुमार, सीधे सरकार को हराने का काम किए थे। तो ये सब बातें हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं। मोकामा में 4 फैक्ट्रियाँ बंद हुई, पलायन की स्थिति है, लेकिन इन सब से हटके अगर बात होती है, टाल की बात करें तो एक फसल की खेती है, वहाँ भी पिछले 2 सालों से बुआई नहीं हो पा रही है, फिर भी जो है मतलब यहाँ के मतदाता जो है मतदान करते हैं। और सीधे जब 15 सालों से अनंत सिंह को चुनाव में जिता रहे हैं तो कहीं ना कहीं अनंत सिंह की पॉपुलरिटी है, तभी जिता रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, पिछले 3 बार से अगर बात करें, 2005, 2010 और 2015, 2015 में निर्दलीय अनंत सिंह चुनाव जीते हैं, आखिर ऐसा वो किस तरह का काम करते हैं कि उनकी लोकप्रियता इस कदर है कि वो हर बार चाहे निर्दलीय हों या किसी दल के साथ हों वो चुनाव जीत जाते हैं? वो उनमें एक खासियत है कि वो नीचे तबके के लोग को ले कर चलते हैं, सबसे बड़ा खासियत है। वो हर का सुनते हैं, कोई हो, कोई भी जाएगा या कोई कैसो ही आदमी चल जाए, सुनते हैं, प्रयास करते हैं उसका काम हल हो, ऐसा होता है, इसलिए उनको लोग पसंद करते हैं। रह गई इलेक्शन की बात है, ये इलेक्शन में तो हमको हमारे हिसाब से लगता है कि पलड़ा उन्हीं का भारी है। पलड़ा उन्हीं का भारी है, आपको क्या लगता है? जैसे कि अखबारों में ये पढ़ा जा रहा है, लोग अपने अपने जीत की बात कह रहे हैं, अलग अलग पार्टियाँ ऐसा कह रही हैं, क्या त्रिकोणीय संघर्ष है या आनंद सिंह के सामने कोई नजर नहीं आ रहा है? एक तरफा जीत है आनंद सिंह का, कोई संघर्ष नहीं, बहुत रहते हैं, जेलों में काम करते हैं, बाहर रहते हैं, वहाँ काम करते हैं, जे जाता है उस सबसे मिलते हैं, गरीब गुरबा राजा महाराजा सब एक समान है आनंद सिंह के सामने। जब एक ही समान है तो 4 फैक्ट्री क्यों बंद हो गई? तो जनता से जुड़े हुए हैं, पर हम ये जानना चाहेंगे, आपके पास भी मैं आ रहा हूँ, हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि उनपे कई सारे आपराधिक मुकदमा भी दर्ज है। सरकार की साजिश है, जब सरकार के पक्ष में थे 2005 से लेकर के 2015 तक, तो कहीं पर कोई उन पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं था, वो बाहर में आराम से घूम रहे थे, लेकिन जब सरकार के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और नीतीश कुमार के लिए उठाई, मांझी जी को हटाने में सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का था, नीतीश जी से वो नहीं हट पाते, उन्होंने ही सारा कुछ किया और आज उन्हीं के पर साजिश पर ललन सिंह के द्वारा सारा कुछ लगा करके और उनको जेल में डाल दिया गया। तो इस बात से आप लोग खुला है यहाँ पर, सीधा कहना, यहाँ के जनता आप जिनसे पूछ लीजिए, अनंत सिंह जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, आप किन्हीं को भी ले जाइए, उनके पास कोई भी मुद्दा लेके जाइए, कोई भी सामाजिक मुद्दा हो चाहे कोई भी मुद्दा हो,
उस पर वो काम करते हैं। जमीन से जुड़े नेता हैं लेकिन दल बदलने इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। दल ने ही उनके साथ धोखा किया, उन्होंने दल के साथ धोखा नहीं किया। अनंत सिंह के पक्ष में मतदान करेंगे? हम तो अनंत सिंह के पक्ष में। उनके पिछले 15 साल के काम से खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं। आप पेशे से क्या करते हैं, आप क्या काम करते हैं? हम करते हैं काम, स्टैंड में काम करते हैं। आप स्टैंड में काम करते हैं। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे थे कि यहाँ कल कारखाना बंद हो गया। ये अभी भैया जो बोले कि जेल में रहते हुए भी वो काम करते हैं, तो उनके रीजन में कल कारखाना जितना भी मोकामा में वो बंद क्यों हो गया? वो अपने आप को बाहुबली मानते हैं, सरकार मानते हैं अपने आप को, और उनका पकड़ भी था, लेकिन फिर भी देखिए तो मोकामा में जितना भी फैक्ट्री है सारा आज ताला लगा हुआ है। स्थिति ये है कि आप जाइएगा तो बेरोजगारी यहाँ पर ज़्यादा है। तो हमारे विधायक जी थे कहाँ? ना एक भी यहाँ पर हॉस्पिटल का, नाजत बलग में बंद हो गया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुद्दा ये है कि इलेक्शन आया, भोज करो, खिलाओ, यही यहाँ का मुद्दा है और बाकी मुद्दा नहीं है यहाँ पे। आपको क्या लगता है क्यों यहाँ इंडस्ट्री बंद हो गया, अस्पताल बंद हो गया, क्यों ऐसा हुआ? ये अस्पताल है, ऊपर का चीज है नाजरत, इसका विदेश से पैसा आता है, सरकार से डायरेक्ट सुनता है, विधायक के वैल्यू नहीं देता। भारत में संसद में लोकसभा का चीज है, संसद का विधायक का पावर का चीज नहीं है। सूता मिल भी उसी का है, उसकी विधायक का पावर चीज नहीं है। और रेफरल में नीतीश सरकार में थे, ये नीतीश कुमार उठवा के मराची में दे दिए थे, पवन सिंह एक नाम का है चमचा, वही सब करवा कर लेकर चल गए। आप क्या कर रहे हैं? तो क्या यहाँ त्रिकोणात्मक संघर्ष है या अनंत सिंह एकदम मय है? तो क्या वजह, क्या अनंत सिंह जिंदाबाद? आप लोग इतना पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने विकास किया है, उनको अगर टिकट नहीं मिलता तो भी वो जीत कर यहाँ से जाते हैं। अच्छा, हाँ। तो क्या इस बार चुनाव शांतिपूर्ण रहने वाला है? शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन अनंत सिंह जीतेंगे। अच्छा, तो क्या नीतीश कुमार के काम से आप लोग खुश नहीं है? नहीं, नीतीश कुमार के काम से 1% भी नहीं। तो क्या आप लोग बदलाव चाहते हैं? बहुत ज्यादा बदलाव चाहते हैं। बहुत ज्यादा बदलाव, क्या आप भी बदलाव चाहते हैं? क्या करते हैं? किसका बदलाव? जनता चाहता है। हाँ, मुख्यमंत्री का बदलाव। हाँ, जनता तो सभ्य चारा है। अच्छा, तो इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं और आप सुन सकते हैं इनको, आपने सुना जाना, सब लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन एक बात इतना साफ है कि ये अनंत सिंह का इलाका है। अनंत सिंह के काफी समर्थक उनके काम से बेहद खुश हैं। कल मतदान होने वाला है, 71 विधानसभा सीटों में मोकामा भी एक हाई प्रोफाइल सीट में गिना जाता है। जाहिर तौर पर यहाँ शांतिपूर्ण मतदान होगा, इसकी उम्मीद की जा रही है। और जिस तरह से लोगों की भारी मौजूदगी है और जिस तरह से लोग उत्साहित हैं, तो ये कयास लगाया जा सकता है कि लोग काफी संख्या में मतदान में हिस्सा लेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि ये मामला भले ही त्रिकोणात्मक संघर्ष का हो मोकामा विधानसभा में, लेकिन अनंत सिंह का पलड़ा फिलहाल भारी नजर आता है। TV9 भारतवर्ष के लिए पंकज कुमार, मोकामा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।